So now we will start. The topic mass spectrometry. This is from MSc 2, third semester, subject code 351. Okay. Let us go for the mass spectrometry, and we are going to कवर दिस पॉइंट्स. हम ये कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे. देखिए इसमें प्रिंसिपल है. व्हाट इज द प्रिंसिपल? वी नो दिस वेल. वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री. ओके, एंड देन वील गो फॉर द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ आयनाइजेशन. हाउ द मॉलिक्यूल अंडरगो आयनाइजेशन. मॉलिक्यूल किस तरह आयोनाइज होता है हम वो देखेंगे. उसके मेथड्स हैं EI, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड है, केमिकल आयोनाइजेशन है. ओके, एंड न्यू मेथड्स आर इंट्रोड्यूस्ड, दिस कॉल्ड MALDI एंड FAB, फास्ट बमर. सो वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन. हम ये सब डिस्कस करेंगे. उसके बाद में हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन किस तरह होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. फिर स्टेबिलिटी ऑफ फ्रेगमेंट किस बेसिस पर डिपेंड होती है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ फ्रेगमेंट कैसे मालूम करते हैं फ्रॉम द NMR, फ्रॉम द मास स्पेक्ट्रम. कुछ रिअरेंजमेंट होते हैं इसमें, वो देखेंगे हम. और कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, मास स्पेक्ट्रम पर, हम वो देखेंगे. फिर आयन एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं, और आयन अबंडेंस इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड हाउ इट इज यूजफुल इन द मास स्पेक्ट्रम. HRMS बोलते हैं उसे, HRMS, हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, HRMS. ओके, सो दैट गिव्स यू द पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक उसका वैल्यू मिलता है हमको. उसके बारे में हम देखेंगे. ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स फ्रॉम यूर सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर. ओके, ये पॉइंट्स वो कवर करना है. फिर इसका अप्लीकेशन है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का अप्लीकेशन है, कंबाइंड प्रॉब्लम में अप्लीकेशन है, वो हम देखेंगे कि वो किस तरह हम कर सकते हैं. ठीक है, सो ये जनरल प्रिंसिपल है मास का जो है. इस जनरल प्रिंसिपल के क्या होता है इसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, आयन्स फॉर्म होते हैं. ऑर्गेनिक सैंपल हम यूज़ करते हैं, उसके आयन्स फॉर्म होते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में. जो भी सैंपल हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक, स्पेशली ऑर्गेनिक ही हम यूज़ करते हैं. और ये आयन्स जो है वो फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में रहते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में रहते हैं या आयन्स फॉर्म में रहते हैं. और वो सेपरेट होते हैं मास बाय चार्ज. दिस इज मास बाय चार्ज, एम बाय जेड, मास बाय चार्ज, यानी कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नॉट नेगेटिव चार्ज, उसी को मास स्पेक्ट्रोमीटर में डिटेक्शन किया जाता है. और वो जो भी मास बाय चार्ज वैल्यू आता है, जो जेड इक्वल टू प्लस वन चार्ज रहा, मैंने नॉर्मली प्लस वन चार्ज होता है कोई भी आयन्स पर, कैट आयन्स पे, तो वो वन मीन्स मास बाय वन. फॉर एग्जांपल मिथाइल है, मिथाइल अगर आप मिथाइल लेते हो, यहाँ पे देखिए ये समझो, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल है, अगर हम मिथाइल कंसिडर करते हैं, तो ये मिथाइल अगर हम आयन्स बनाते हैं, अगर ये पॉजिटिव आयन है, देखेंगे हम किस तरह बनता है ये, तो इसका चार्ज क्या है, ये एम बाय जेड क्या आएगा इसका, एम बाय जेड देखिए कैसे निकालेंगे आप, एम बाय जेड क्या होगा, देखिए इसका मास कितना है, 15 आएगा. यस, इसका मास 15 है और इस पर चार्ज कितना है, 1 है, तो दैट इज इक्वल टू 15. तो हम बोलेंगे कि मास स्पेक्ट्रम में CH3 पॉजिटिव पीक कहाँ देता है, 15 पे आता है. एक्चुअली ये बहुत स्टैंडर्ड है. जब भी हम मास स्पेक्ट्रोमीटर में, मास स्पेक्ट्रम में आपको जो हार्ड कॉपी दी जा रही है एग्जाम में या क्वेश्चन में या फिर सॉफ्ट कॉपी, और आपके सामने अगर मास स्पेक्ट्रम है, अगर वहाँ पे एम बाय जेड 15 है, तो इसका मतलब ये है कि वो मिथाइल रेडिकल है. मिथाइल कैटायन बोलते हैं, राइट, इसे बोलते हैं मिथाइल कैटायन. तो ये एक सिंपल आइडिया है समझने के लिए. सिमिलरली अगर इथाइल रहता है, इथाइल CH3 बॉन्ड CH2, और इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप बोलिए एम बाय जेड क्या होगा इसका, क्या होगा ये बोलिए. 29, वेरी गुड. सो 29 है, राइट, यस. इस तरह हम इसको
सीखते हैं, ये इस 29 की पीक्स आपको मिलेगी। ओके, और फ्रैगमेंटेशन कैसा होगा इसका? फ्रैगमेंटेशन बहुत रैंडम होता है क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम देखेंगे कौन से सोर्सेज हैं। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में, और वो पाँचों के पाँचों सोर्सेज जो है डिपेंड होता है आप कौन सा मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हो, कौन सा सैंपल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, हम वो देखेंगे। तो दिस इज अ वेरी सिंपल आइडिया कि एम बाय जेड वैल्यू समझ में आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज एम बाय जेड वैल्यू। ये एम बाय जेड वैल्यू है, जेड इज द चार्ज। ठीक है, एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपको ऐसा दिया जाए, अगर CO2 है, CO2 अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको एनालाइज करना है तो CO2 जो है इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज, तो आप बताइए इसका मास क्या होगा। बोलिए एम बाय जेड क्या होगा, एंड इसकी पीक कहाँ मिलेंगी आपको। यस, तो कैलकुलेट कीजिए कार्बन का कितना है, 12 है, और ये कितना है, 32 है, तो कितना हुआ है टोटल, 44, राइट। तो आपको एम बाय जेड 44 पे एक पीक मिलती है, दैट इज़ फॉर सी ओ टू प्लस वन प्लस। लेकिन कभी कभी सी ओ टू में से दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, तो ये हो जाता है 2 प्लस। तो अब आप बताइए एम बाय जेड वैल्यू कहाँ आएगा सी ओ टू का। यस, एनी वन? सो इन दिस केस अगर इस तरह सी ओ टू आता है, फॉर सी ओ टू डाय पॉजिटिव एम बाय जेड इज 22। तो ये दिस शुड बी रिमेंबर, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एम बाय जेड, जेड इज वॉट चार्ज। सो जेड ऑलवेज जनरली इट इज प्लस वन, बट इन फ्यू केसेस यू विल फाइंड ऑल्सो इट हैज द प्लस टू चार्ज ऑल्सो, एम इज इक्वल टू प्लस टू भी रहता है। सिमिलरली कभी कभी प्लस थ्री भी रह सकता है, अगर आप एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हो या सिंपल एल्यूमिनियम का देख रहे हो आप, तो इसमें प्लस थ्री चार्ज भी होता है। तो जो भी मास है उसको आपको उससे डिवाइड करना है जो कि चार्ज होता है, फाइन। सो दिस इज सिंपल मास। तो ये जो परसेंटेज है, रिलेटिव परसेंटेज, यानी कि जब आप मास स्पेक्ट्रम देखते हो, व्हेन वी सी द मास स्पेक्ट्रम, उसमें दो एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस पर जो है आपको वन एक्सिस इट इज अबाउट दिस एम बाय जेड वैल्यू, ये एम बाय जेड वैल्यू आती है, राइट। और दूसरा एक्सिस जो होता है यहाँ पर परसेंटेज अबंडेंस आता है, मीन्स परसेंटेज इंटेंसिटी आती है। कि सपोज एक एक पीक अगर 15 पे आ रहा है यहाँ पर, सपोज दिस इज 15 सपोज, तो दिस बिकॉज ऑफ मिथाइल, नो प्रॉब्लम, इट इज़ बिकॉज ऑफ मिथाइल। ठीक है, दूसरा पीक अगर इधर आ रहा है, सपोज कंसिडर लाइक दिस 29 आ रहा है, 29, इट इज बिकॉज ऑफ इथाइल। लेकिन ये दोनों की हाइट में जो डिफरेंस है, ये देखिए इसका हाइट कितना है, ये इतने हद तक आ रहा है, राइट। इसका हाइट इतना आ रहा है, इसका हाइट इतना आ रहा है, तो ये जितना ज़्यादा हाइट है, मीन्स उसे कहते हैं रिलेटिव परसेंटेज, और अबंडेंस बोलते हैं, मीन्स इंटेंसिटी डायरेक्टली टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस आयन। ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ दिस आयन मीन्स कितने आयन्स फॉर्म हो गए हैं, कैट आयन्स फ्रेगमेंट्स फॉर्म हुए हैं, और उसमें से कितना अमाउंट फॉर्म हुआ है, दैट इज शोन बाय द हाइट ऑफ द पीक। ठीक है, फाइन। तो ये सिंपल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, आयोनाइजेशन मेथड्स कौन से होते हैं। सो वन बाय वन विल सी। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन। हमने पहले स्लाइड में देखा है कि देर आर फाइव, टोटल फाइव टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ आयोनाइजेशन। कि आप मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने के लिए, द मॉलिक्यूल जो ले रहे हैं हम सैंपल, वो तो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल की पीक कभी नहीं मिलती है मास स्पेक्ट्रम में, उसको आपको आयोनाइज करना पड़ता है। आयोनाइज मीन्स उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। वी हैव लर्न अबाउट द आयोनाइजेशन, व्हाट इज़ द आयोनाइजेशन ऑफ आयन ऑफ अ मॉलिक्यूल, मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आयन्स बनता है, या व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन वो भी आयन बनता है। लेकिन मास स्पेक्ट्रम इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर द कैटायन, पॉजिटिव चार्ज आयन को ही वो आइडेंटिफाई करता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स इन द स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, इट इज़ द फर्स्ट आयोनाइजेशन टेक्निक। ओके, जो मास स्पेक्ट्रम डेवलप हुआ, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जब डेवलप हुई, उस वक्त जो फर्स्ट टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड दैट वाज द इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन। आफ्टर दैट लेटर ऑन
chemical ionization was introduced, MALDI introduced, then FAB introduced. Okay, but this is the most widely used technique for in the mass spectrometry. ये electron ionization जो technique है ये बहुत ज़्यादा use होती है, basic है. इसका पहले जो नाम था, it is also called as electron impact ionization या EI. EI means electron impact भी कहते हैं इसको. Okay, ये electron ionization भी बोलते हैं. और इसको बोलते हैं electron bombardment ionization. One of the technique is this is one of the name. Another name is electron bombardment ionization. इसमें क्या करते हैं in this technique? जो आयनाइजेशन किस तरह करते हैं इन दिस टेक्निक ऑफ आयनाइजेशन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं. हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यूज होता है. ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? वो उसका सोर्स जो है वो एक फिलामेंट होती है, मेटेलिक फिलामेंट होती है, उसको हीट करते हैं. सो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स विद हाई एनर्जी, तो उससे इंटरेक्ट किया जाता है आपका सॉलिड और गैस फेज. जो भी आपका कंपाउंड है, सॉलिड है, उसको गैस में हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. और वो वेपर्स फॉर्म में जो एटम्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है, तो वो इंटरेक्ट होता है और आपको क्या मिलता है, हमको हमारे आयन्स मिलते हैं. सपोज अगर आपने कोई भी यूज़ किया, मीथेन, मीथेन गैस, इट इज़ अ गैसियस फॉर्म. इफ़ यू यूज़ मीथेन, सो मीथेन में how many what is the molecular mass of methane? CH4 16. तो वो आपने लिया और आपने उसको, if you want to find out the mass spectrum of methane, तो आपको इसी process से जाना पड़ेगा कि that methane when pass through the mass spectrometer parts, जो उसका channel है, उससे pass होगा तो उसका analysis होगा. उस पर क्या होगा, ये high electron energy electrons का interaction होगा और methyl मीथेन में से इलेक्ट्रॉन्स लॉस होगा और वो प्रोड्यूस आयन प्रोड्यूस करेगा और उसे एम बाई जेड इस तरह को मिलता है. सो देखिए, ये जो मेथड है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन या इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट या इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, नेम्स आर डिफरेंट बट सेम, उसका जो मैकेनिज्म इज वेरी सेम, सिमिलर है. इट इज कंसिडर्ड एज अ हाई फ्रेगमेंटेशन आयनाइजेशन मेथड. ओके, इट इज कंसिडर्ड एज ए हाई आयन, हाई फ्रेगमेंटेशन आयनाइजेशन मेथड इसको कंसिडर किया जाता है. ठीक है, ओके. इसमें क्या होता है, क्यों इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में. हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द मॉलिक्यूल, जब सैंपल पे स्ट्राइक करते हैं ये, तो रैंडम फ्रेगमेंटेशन होता है हमारे सैंपल का और उसमें आपको अलग अलग आयन्स मिलते हैं. मीन्स नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेशन आयन्स मिलते हैं बाय दिस टेक्निक EI. और आपको मास स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस भी आ जाती है, बहुत सिग्नल्स आ जाते हैं, मैनी सिग्नल्स अपेयर, मैनी लाइन्स अपेयर इन द मास स्पेक्ट्रम. तो EI जो है ये हाई फ्रेगमेंटेशन आयनाइजेशन मेथड को कंसिडर किया जाता है. ठीक है, बिकॉज इट इज इन दिस हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर यूज, ओके, which are used to produce the ions from our sample. ठीक है, और ये highly useful technique है, widely useful है, लेकिन उस उन molecule के use होती है जिनका molecular weight कितना हो, 600 हो. तो it is okay with our compound जो हम lab में prepare करते हैं, लेकिन ऐसे molecules जो for example polymers जो होते हैं या proteins होते हैं, DNA होते हैं long chain, जिनका molecular mass more than 600 है, वैसे molecules को हम EI use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन चांसेस होते हैं. और देयरफॉर तो क्या होता है कि जब फ्रेगमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमको एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम नहीं होगा. सो इफ यू, तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन लिमिटेशन, वन ऑफ द लिमिटेशन इज दिस टेक्निक इज यूज, दिस आयनाइजेशन टेक्निक इज यूज ओनली फॉर दोज मॉलिक्यूल हुज मॉलिक्यूलर वेट इज बिलो 100. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द electron ionization principle and idea about it. Yes, okay, fine. So how the electron ionization schematic diagram we will see now. See here, this is what about the principle we can say of electron ionization method. See, this is the figure which tells about electron ionization technique.
तो होता क्या है, देखिए ये आपका पैरेंट मॉलिक्यूल है, ये जो लिख रहा है लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, ये पैरेंट मॉलिक्यूल है, ये कुछ भी हो सकता है। कंसिडर कीजिए कि इथेन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन है, इथेन। तो क्या होता है जब ये यह छोटा सा सिल्ट होता है जिसमें से ये मॉलिक्यूल इंटर होता है गैसियस फॉर्म में, ओके यस। और जब इंटर हो रहा है तो इसको यहाँ से दोनों एक साइड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम का बम्बार्डमेंट हो रहा है, जो हमने भी देखा है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन द मॉलिक्यूल्स। अब वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, जो सी एच बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड या कार्बन कार्बन बॉन्ड या दो एटम्स का जो बीच में जो बॉन्ड होता है, वी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड, इट इज द इमेजिनरी लाइन विच इज कंपोज्ड ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बॉन्ड है या कोई भी बॉन्ड, विल डिस्कस लेटर ऑन कि उसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, ये हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको अट्रैक्ट होकर अटैक होता है इसमें, एंड एक इलेक्ट्रॉन जो है चला जाता है। एंड रिमेंबर, एक बॉन्ड पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा। देखिए यू सी है, ये इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट कर रहा है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ऐसा, मॉलिक्यूल्स हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स से इंट्रैक्शन हो रहा है इस रेंज में, राइट, इज दिस रेंज, इन दिस रेंज देयर इज इंट्रैक्शन बिटवीन दिस आवर मॉलिक्यूल पैरेंट मॉलिक्यूल पासिंग थ्रू दिस स्लिट and then this high energy electron beam interact with the our molecule, and what will happen, this kick off one electron from the molecule will be removed by this high energy electron beam. This is the basic principle of mass spectrometry. ye basic principle hai mass spectrometry ka, ye aapko yaad karna hai, you have to remember this. What is the basic principle? This high energy electron beam remove one electron from your parent molecule. Now all of you tell, jab isme se electron ja raha hai, when electron is removed, so one electron only push the one electron. Remember the point. So what I am telling you, see, ye ek electron dikh raha hai aapko yahan pe. This you can see this electron. Ye this is the arrow means this is a movement, is a direction of this electron beam. Ye idhar se idhar pass ho raha hai. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम है इसमें से आपका मॉलिक्यूल क्रॉस हो रहा है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आपके मॉलिक्यूल के बॉन्ड पर या एटम पर अटैक करेगा और वहाँ का एक इलेक्ट्रॉन किक करेगा, किक आउट करेगा। नाउ यू इमेजिन एंड कंसीडर एंड टेल, जब वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूविंग फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, सो एक इलेक्ट्रॉन जो बीम से आ रहा है और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से निकल गया तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, राइट, यस, टू इलेक्ट्रॉन्स, दिस रेड डॉट्स मींस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मॉलिक्यूल्स पे क्या चार्ज आ गया है बोलिए, यस एनीवन। तो मॉलिक्यूल्स पे चार्ज आ गया है पॉजिटिव चार्ज, यू सी दिस इज द मॉलिक्यूल एंड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फाइन, ओके। तो दिस इज, यू कैन राइट दिस वन आल्सो, ये दो पॉसिबिलिटीज है, एक्चुअली मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, आपको दो पॉसिबिलिटीज बताई गई है। तो क्या है, देखिए एक पॉइंट पार्ट तो ये है कि जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, सपोज एटम से चला गया या फिर बॉन्ड से चला गया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, एक आया है, इट कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन बीम एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल पे चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज प्लस दिस टू इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, दिस पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज आयोनाइज्ड पैरेंट मॉलिक्यूल, राइट, दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइज्ड पैरेंट मॉलिक्यूल एंड इट इज डिनोटेड बाय एम प्लस, रिमेंबर द पॉइंट, एम प्लस डॉट से इसको डिनोट करते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉट, डॉट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन बाकी है लेकिन उसके साथ में का जो इलेक्ट्रॉन था बॉन्ड फॉर्म में वो लॉस हो गया, राइट, मॉलिक्यूलर आयन।
remember the point. Okay, it is also called as parent ion. This is one more name is. इसको parent ion भी बोलते हैं. और इसका m by z कितना होता है? इसका m by z होता है equal to molecular weight. Yes, remember the point. It is basic. इसका जो m by z होता है वो ये जो molecule है इसके molecular weight जो होता है उसके equal होता है. So hope you understand this point, right? So this is what the simple idea, or we can say the mechanism here showing the electronic ionization or electron impact. The first very famous and first discovered first time by the scientist in this mass spectrometry. See, there are two things are taking place. One is was ionized parent molecule mila aapko. Means there is no loss of any mass except electron is being lost, right? Only electrons are being lost. There is no loss of mass. You remember, see here, right? इसका m by z क्या होगा? Equal to its mass. लेकिन दूसरा चांस क्या है कि उसमें से मास भी लॉस हो रहा है. देखिए, ये एक बड़ा एटम चला गया. सपोज दिस टू एटम्स आर डिफरेंट. एक बड़ा पार्ट चला गया, मीन्स मास लॉस हुआ. न्यूट्रल मास, पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस चार्ज, मीन्स ये थ्री थिंग्स आर फॉर्म्ड हियर. एक्चुअली क्या क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे देखिए. व्हाट आर द थ्री थिंग्स फॉर्म इन दिस? टू इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म. यू सी, दो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हुए हैं. कहाँ से? ये बम्बार्डमेंट का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इस मॉलिक्यूल से. दूसरा क्या हुआ है कि ये इसका जो पार्ट थी ये जिसमें वो लॉस हुआ है इस तरह. देखिए, ये लॉस हुआ है इसमें से, राइट? सी, इट इज विद इट्स इलेक्ट्रॉन गॉन एंड दिस पॉजिटिव चार्ज रिमेन ऑन दिस आवर मेन प्रीकर्सर और आवर मेन एनालाइट और सैंपल. तो इसे कहेंगे अगर इस पाथ से जा रहा है तो इस केस में ये चार्ज्ड हुआ है. दिस इज चार्ज्ड, राइट? दिस इज चार्ज. और ये क्या हो गया है? ये जा रहा है, ये न्यूट्रल हो गया है, ठीक है? ये जो चार्ज हुआ है इसका एम बाय जेड तो आपको मिलेगा, लेकिन यू टेल इसका एम बाय जेड जो होगा दैट वुड इट बी इक्वल टू मॉलिकुलर आयन या मॉलिकुलर मास? जैसे इसका आया एम बाय जेड इक्वल टू दिस वन, क्या इसका होगा इक्वल? नो. व्हाई? बिकॉज़ यस, बिकॉज़ देयर इज अ लॉस ऑफ अ वन न्यूट्रल फ्रेगमेंट. और न्यूट्रल फ्रेगमेंट मीन्स इट डेफिनेटली कैरी सम अमाउंट ऑफ मास. देयरफॉर एम बाय जेड विल नॉट बी इक्वल टू मॉलिकुलर आयन. एंड देयरफॉर इन दिस केस आपको मॉलिकुलर आयन पीक नहीं मिलेगा. जनरली क्या होता है मास स्पेक्ट्रम में, हमको मॉलिकुलर आयन पीक मिलता है. अभी हम एग्जांपल देखेंगे. जनरली हमको मॉलिकुलर आयन पीक मिलता है, लेकिन ऐसे भी होता है अगर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, 70 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट इसका एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहा है इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. ये इसकी इलेक्ट्रॉन बीम की ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हाईली फ्रेगमेंटेशन, यानी मॉलिक्यूल का क्या होता है, अंडरगो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन होता है. मीन्स बहुत रैंडम फ्रेगमेंटेशन होता है, इसलिए आपको मॉलिक्यूलर आयन मिलने के भी चांसेस कम होते हैं एम बाय जेड, ठीक है? मॉलिक्यूलर आयन पीक, फाइन. सो दो केसेस हैं. अगर ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है आपको मॉलिक्यूलर आयन मिल सकता है एम प्लस. रिमेंबर द पॉइंट एंड यू ऑलवेज हैव अ फ्लो नोट्स. ओके, ये इसके फ्लो नोट्स रखिए, डोंट वरी. हम इसको अपलोड तो करेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर आयन पीक में भी मिलता है. किस किस टेक्निक में? इस आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में आपको एम बाय जेड तो मिलता है इसका मॉलिक्यूलर आयन का, लेकिन कभी कभी आपको नहीं भी मिल सकता है. क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि अगर फ्रेगमेंटेशन पहले स्टेज में हो गया, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, तो पहले ही फ्रेगमेंटेशन हो गया, मीन्स एक पार्ट चला गया, टूट कर फ्रेगमेंट चला गया. इन दिस केस आपको एम बाय जेड जो मिलेगा इस मॉलिक्यूल का मिलेगा, इस आयन का मिलेगा, इस कैटायन का मिलेगा, आपको इसका नहीं मिलेगा. इसका एम्बेसडर मिलेगा आपको, नो प्रॉब्लम. पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स एम्बेसडर मिलेगा. रिमेंबर द पॉइंट, मेमोराइज कर लीजिए. जब भी पॉजिटिव चार्ज आ गया आपको एम्बेसडर मिलने वाला है, लेकिन इसका एम्बेसडर जो है आपके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज इसमें से न्यूट्रल फ्रेगमेंट लॉस हुआ है. लेकिन दूसरा पैटर्न अगर आपको एम्बेसडर मिल गया, सपोज यू गॉट एम्बेसडर दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सैंपल. सपोज आपने अगर इथेन लिया, इथेन का कितना है? 30 है, राइट? 30 इथेन का 30 है. अगर आपने इथेन लिया और एम्बेसडर आपको एम्बेसडर 30 मिल गया,
So you can label that ion is this, that peak is because of molecular ion peak, right? लेकिन वो ऑल टाइम ऐसा नहीं होता है. कभी कभी क्या होता है कि अगर उसमें से लॉस हुआ न्यूट्रल फ्रेगमेंट तो एम बाय जेड आपको 30 नहीं मिलेगा. सपोज इसमें से हाइड्रोजन लॉस हुआ, आपको एम बाय जेड आपको 30 नहीं मिला, एम बाय जेड अगर 29 आपको मिलता है तो समझिए वो जो मेथड है वो डिसोशिएटिव रिजल्ट से आया है. मीन्स ये देखिए, इसे कहते हैं डिसोशिएटिव रिजल्ट, ठीक है. मीन्स डिसोशिएशन हो गया, फर्स्ट स्टेज में डिसोशिएट हुआ आपका सैंपल. और ये क्या है, अगर ये डिसोशिएट नहीं हुआ, एम बाय जेड आपको मिल रहा है, जो एम बाय जेड आपको वैल्यू मिल रही है मास स्पेक्ट्रम पे, वो इक्वल है किसके, आपके पैरेंट मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से. इसका मतलब ये कि वो आयोनाइज्ड पैरेंट मॉलिक्यूल है, आपका पीक है, और वो नॉन डिसोशिएटिव रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, आपको समझ में आया होगा ये. सी इसका प्रिंसिपल देख लीजिए क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड का प्रिंसिपल ये है कि बहुत सिंपल है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है सैंपल मॉलिक्यूल का रिमूव होता है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है. और क्या मिलता है आपको, एक पॉजिटिव आयन मिलता है. अभी हमने देखा है इंस्ट्रूमेंट में, ये इस तरह हमने जो देखा है, ये इस तरह पॉजिटिव आयन मिलता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो आपको जो मिलता है वो एम प्लस डॉट, यानी कि ये मॉलिक्यूलर आयन में जो आपका बॉन्ड्स थे, ये मॉलिक्यूल में जो आपके बॉन्ड्स थे, ये एक बॉन्ड मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, मीन्स वो बॉन्ड जो है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इसलिए आप डॉट से बताएं उसको और पॉजिटिव चार्ज हो. इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन और इसका एम बाय जेड आपको मिलता है, दैट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, फाइन. और ये सब गैस फेज रिएक्शन होता है, याद रखिए आपका जो भी सैंपल हो ना, सॉलिड रहा या लिक्विड रहा, तो पहले उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, तभी उस पर इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन होता है और आपको इस तरह मॉलिक्यूलर आयन मिलता है. इस टेक्निक में मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन बीम कैसा प्रोड्यूस होता है देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट में, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में कैसा होता है देखिए. हीटिंग, एक फिलामेंट होता है, उसको हीट, अलग अलग फिलामेंट्स होते हैं अलग अलग मेटल्स के, तो इलेक्ट्रिक करंट्स हीट करते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स विद हाई एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं. अभी हमने देखा है इससे पहले स्लाइड में कि इलेक्ट्रॉन का बीम जो है उसकी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. मीन्स देयर इज हैविंग द एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वो किससे ज़्यादा होती है, सैंपल का जो मॉलिक्यूल है उसमें की एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस सैंपल से जो भी आप सैंपल ले रहे हो ऑर्गेनिक सैंपल, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैक्सिमम जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है याद रखिए उनकी मैक्सिमम कितनी होती है, सबके सब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे आती है. याद रखिए कितने भी बड़ा मॉलिक्यूल हो, कितने भी बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है, इसी की रेंज में आती है, सब इसके नीचे रहते हैं. लेकिन हम बहुत ज़्यादा, वी आर यूजिंग वेरी हाईएस्ट हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन में 70 इलेक्ट्रॉन, इससे कितना 4-5 टाइम्स ज़्यादा. इसका मतलब ये आपका मॉलिक्यूल 100% क्या होगा, आयनाइज होगा और बहुत कैसा होगा, बहुत हाईली फ्रेगमेंटेशन मोड में जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है और वो रैंडम फ्रेगमेंटेशन करेगा, ठीक है. जो सैंपल आपका अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो वो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो जब आप इसको इंसर्ट करते हो या इंट्रोड्यूस करते हो मास स्पेक्ट्रोमीटर में, तो आयन सोर्स कैसा आ रहा है देखिए, आयन सोर्स परपेंडिकुलर आ रहा है देखिए, ये देखिए, ये इधर से ये आपका मॉलिक्यूल जा रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन बीम परपेंडिकुलर आ रहा है, याद रखिए, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, नाउ इमेजिन कीजिए ये एनर्जी है, ये आपका मिथेनॉल मॉलिक्यूल आपने लिया है और मिथेनॉल मॉलिक्यूल जो आपने लिया है, समझिए इसकी, और यहाँ से एनर्जी, इधर से आपका मॉलिक्यूल आया इधर से, और इधर से क्या है, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट जा रहा है. देखिए इसका लो प्रेशर होता है, स्लिट छोटा होता है, और क्या होता है इसमें कि मॉलिक्यूल जो इधर से आया है उसका आयनाइजेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन बनता है. तो पहले कैसा होगा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो समझिए ये CH3OH जो था, फॉर एग्जाम्पल सी है, जनरली इसमें लोन पेयर्स भी होती है, हमने यहाँ नहीं बताया है. जनरली पहले जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाते हैं, तो इसमें कौन से हैं, लोन पेयर्स के होते हैं, चले गए इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स के, राइट. और आपको क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन जाता है, याद रखिए ये दो लोन पेयर में से, अभी हमने यहाँ नहीं बताया लेकिन हम समझ सकते हैं इसको कि दो लोन पेयर्स होते हैं, उसमें से एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन चला गया और ये वो एक बाकी है यहाँ पे, समझिए चला गया, ठीक. सुना सी समझिए, अगर इसको बता सकते हैं आप, यहाँ पर सपोज दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये यहाँ पे सपोज दो इलेक्ट्रॉन्स थे, यू कैन शो लाइक दिस,
सपोज यहाँ ई कैंसिल, तो इसमें दो, ये दो पेयर में से एक पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और एक पेयर के पास एक हाफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाकी, एक पॉजिटिव चार्ज है। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर आयन पीक। लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 70 इलेक्ट्रॉन्स ओल्ड एनर्जी है, फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है देखिए। और इसमें क्या है, एक एच चला गया एज ए रेडिकल फॉर्म में, इसको न्यूट्रल फॉर्म बोलते हैं, रेडिकल फॉर्म इज ए न्यूट्रल फॉर्म मीन्स देर इज नो चार्ज। और इसका तो एम बाय जेड मिलेगा आपको, यस यस और नो, यस इसका एम बाय जेड मिलेगा आपको नो प्रॉब्लम, और इसका एम बाय जेड भी मिलेगा आपको नो प्रॉब्लम। तो ये फ्रेगमेंट हो गया है, ये फ्रेगमेंट्स हो गया है इसका, और ये फ्रेगमेंट हुआ है। तो ये मॉलिक्यूलर आयन फ्रेंड फ्रेगमेंट है, ऐसे पैरेंट आयन बोलेंगे। इसका एम बाय जेड किसके बराबर होगा, ये मिथेनॉल मिथेल एल्कोहल के बराबर होता है, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, रैंडम फ्रेगमेंटेशन में जाता है और आपको अलग अलग पीक मिलते हैं। लेकिन इसका भी एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के फॉलो करने से भी पीक्स मिलते ही हैं, लेकिन दूसरे पीक्स भी आपको मिलते हैं। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पीक जो है वो हमको प्रिंसिपल ऑफ अल्कोहल फ्रेगमेंटेशन से हमको मिलते हैं, राइट, ठीक है, फाइन, ओके। सो सी ये भी एक डायग्राम है इलेक्ट्रोनाइजेशन की, कि ये देखिए ये फिलामेंट है जो आपने हिट किया है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है इसे फ्लो हो रहा है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। इधर से देखिए आपका जो सैंपल यहाँ से आ रहा है, देखिए सैंपल यहाँ से आ रहा है ऐसा, इस बॉक्स में ये जो बॉक्स है इसे आयनाइजेशन चैम्बर बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर में आयनाइजेशन चैम्बर। ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सब डेवलप हो रहे हैं, ये रिपेलर है।